सो गाइज दिस इज द डेमो ऑफ द प्रोजेक्ट क्रिएटेड ओलम्पिक्स एनालिसिस वेब एप्लीकेशन ब्रॉडली मैंने इस पूरे एप्लीकेशन को चार कैटेगरीज में डाला है डिवाइड किया है पहला है मेडल टैली दूसरा है ओवरऑल एनालिसिस तीसरा है कंट्री वाइज एनालिसिस और चौथा है एथलीट वाइज एनालिसिस ठीक है सो मेडल मेडल टैली का आई गेस आपको समझ में आ रहा है हर ओलंपिक्स में बहुत सारी कंट्रीज पार्टिसिपेट करती हैं और फिर मेडल्स uh, जीतती हैं तो यहाँ पर आपको वो पूरा इंफॉर्मेशन मिलेगा कि कौन सी कंट्रीज किस रैंक पर है ठीक है तो uh, अभी जैसे आपके स्क्रीन पर जो है वो ओवरऑल टैली है ओवरऑल टैली का मतलब जब से ओलंपिक्स स्टार्ट हुए हैं विच इज 1896 120 साल 124 साल पहले uh, जो पहला ओलंपिक हुआ था तब से लेके अभी तक जितने भी ओलंपिक्स हुए हैं उनमें कंट्रीज का क्या स्टैंडिंग है रैंकिंग है सो so, यहाँ पर यूएसए क्लियरली सबसे ऊपर है इतना गोल्ड इतना सिल्वर इतना ब्रॉन्ज और टोटल इतना है ठीक है और ऐसे करते करते सारी कंट्रीज को यहाँ पे मैंने रैंक करवा रखा है देर आर मोर देन टू हंड्रेड कंट्रीज इंडिया कहीं बीच में आता है फिफ्टी के अराउंडी uh, नहीं फोर्टी yeah, सिक्स ठीक है विद नाइन गोल्ड मेडल्स अब यहाँ पे आपके पास फ्लेक्सीबिलिटी क्या है कि आप सेलेक्ट ईयर में जा करके कोई पर्टिकुलर ईयर में जो ओलंपिक हुआ था उसके बारे में पता कर सकते हो जैसे आपको पता करना है 2016 में जो लास्ट ओलंपिक हुआ था रियो डी जेनेरियो में वहां पे क्या स्टैंडिंग था कंट्रीज का तो ये कोड आपको झट से वो दे देगा सो so, उस टाइम भी यूएसए आ गया था फिर यूके फिर चाइना फिर रशिया एंड सो ऑन ठीक है इंडिया ने छह मेडल्स जीते थे आ, देखना पड़ेगा मतलब ढूंढना पड़ेगा और फिर आप क्या कर सकते हो कि आप ओवरऑल रख के किसी एक पर्टिकुलर कंट्री का परफॉर्मेंस भी देख सकते हो जैसे अगर लेट से मुझे इंडिया का परफॉर्मेंस देखना है तो आई कैन टाइप इंडिया और इंडिया ओवर द इयर्स ओलंपिक्स में कैसा परफॉर्म किया है उसका आपको एक टेबुलर डेटा मिल जाएगा जैसे उन्नीस में फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट किया था दो सिल्वर जीता था फिर लाइन से नाइनटीन से लेकर के 1956 तक ऑलमोस्ट 30 साल लगातार हॉकी में हमने गोल्ड मेडल जीता था जब ध्यानचंद खेलते थे उसके बाद फिर काफी सूखा पड़ा रहा और फिर यहाँ 2008 में अभिनव बिंद्रा जो शूटर हैं उन्होंने जीता और फिर ये रहा ठीक है और अगर आप चाहो तो इंडिया का किसी एक स्पेसिफिक ईयर में भी देख सकते हो जैसे इंडिया का 1908 में पार्टिसिपेट नहीं किया था ओके 1972 में ये रहा एक ब्रॉन्ज मेडल ठीक है तो ये तो हो गया मेडल टैली नेक्स्ट इज ओवरऑल एनालिसिस यहाँ पे मैं पूरे ओलंपिक्स के बारे में एक ओवरव्यू दूंगा ठीक है तो जैसे कि टॉप स्टैटिस्टिक्स क्या है ओलंपिक से रिलेटेड टोटल आज तक कितने एडिशन हुए कितने सिटीज ने होस्ट किया है कितने स्पोर्ट्स खेले जा चुके हैं कितने इवेंट्स हुए हैं कितने पार्टिसिपेटिंग नेशंस हैं और कितने एथलीट्स ने पार्टिसिपेट किया है ठीक है यहाँ पर मैंने ग्राफ बनाया है पार्टिसिपेटिंग नेशंस ओवर द इयर्स हर साल कितनी कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रही है इसका ग्राफ है ये फिर हर साल कितने इवेंट्स हुए उसका ग्राफ है ये फिर हर साल कितने एथलीट्स ने पार्टिसिपेट किया ये उसका ग्राफ है ये एक बहुत इंटरेस्टिंग हीट मैप है कि हर स्पोर्ट में कितने इवेंट्स होते हैं ओवर द इयर्स सो यू कैन सी एथलेटिक्स में पहली बार जब ओलंपिक्स हुआ था 1896 में तो 12 इवेंट्स हुए थे और अब कंटिन्यूसली फोर्टी सेवन हो रहे हैं पिछले तीन ओलंपिक से ठीक है? So है ये आपको चार्ट दो चीजें बताता है कि हर पर्टिकुलर स्पोर्ट में कितने इवेंट्स हैं और ठीक है टेनिस टेनिस दोबारा स्टार्ट हुआ तो काइंड kind ऑफ of आपको एक ओवरव्यू दे रहा है इवेंट्स की हिस्ट्री का ठीक है उसके बाद आपके ओलंपिक्स में सबसे सक्सेसफुल एथलीट्स का मैंने एक टेबल बनाया है आ, ये ओवरऑल है बट अगर आप चाहो तो आप स्पोर्ट्स के बेसिस पे भी कर सकते हो जैसे अगर आपको पता करना है कि आ, गोल्फ में हु इज द मोस्ट सक्सेसफुल एथलीट तो ये आपको कोड फिल्टर करके दे देगा या सो यूएसए का कोई बंदा है अगर हम किसी और स्पोर्ट्स में देखें लाइक अगर हम एथलेटिक्स में देखें तो देखते हैं कौन है एंड यू कैन सी उसेन बोल्ट है यहां पे विथ एट गोल्ड मेडल्स ठीक है सो so, ये हो गया ओवरऑल एनालिसिस नेक्स्ट इज कंट्री वाइज एनालिसिस सो यहां से आप कोई भी कंट्री सेलेक्ट कर सकते हो लेट से मैंने सेलेक्ट किया यूएसए ये यूएसए का मेडल टैली है ओवर द इयर्स कि हर ओलंपिक में यूएसए ने कितने मेडल्स जीते ठीक है उसके बाद ये एक हीट मैप है जहाँ पे ये बता रहा है ये हीट मैप आपकी यूएस कौन से स्पोर्ट्स में बहुत स्ट्रॉन्ग है सो so यहाँ पे जो भी लाइटर शेड्स हैं वो स्ट्रोंग जोन है यूएस का जैसे कि स्विमिंग बिकॉज ऑफ माइकल फिलिप्स और एथलेटिक्स बहुत सारे एथलीट्स हैं और छिटपुट बीच में जैसे जिमनास्टिक्स में कभी कभी जीता है शूटिंग में शुरू में जीतता था ठीक है यहाँ से आप कोई भी कंट्री सेलेक्ट कर सकते हो जैसे अगर आप चाइना सेलेक्ट करो ये चाइना का मेडल टैली है अच्छा है थीके? उसके बाद है टॉप टेन एथलीट्स ऑफ चाइना ये टॉप टेन एथलीट्स हैं यहाँ से आप कंट्री चेंज करोगे यहाँ पे टॉप टेन एथलीट्स का वैल्यू भी चेंज हो जाएगा ठीक है ये आप ट्राई कर सकते हो द लास्ट थिंग इज एथलीट वाइज एनालिसिस बेसिकली uh, एथलीट्स के हिसाब से सारा एनालिसिस है यहाँ पर सो so, सबसे पहले यहाँ पर है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एज ठीक है कि गोल्ड uh, मेडल आप कौन से एज में ज्यादातर जीतते हो सिल्वर मेडल कौन से एज में जीतते हो ब्रॉन्स मेडल कौन से एज में जीतते हो फिर है आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एज विथ रिस्पेक्ट टू स्पोर्ट्स गोल्ड मेडल मेडलिस्ट के हिसाब से कि अलग अलग स्पोर्ट्स में गोल्ड मेडल जीतने का चांस सबसे ज्यादा कब है ठीक है यहाँ से यू कैन सेलेक्ट और डिसलेक्ट मल्टीपल uh, स्पोर्ट्स आपके ऊपर है ये uh, उसके बाद है हाइट वर्सेस वेट चार्ट ठीक है एथलीट्स का यहाँ पर मल्टीपल पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन है जैसे कि ब्लू कलर मतलब कोई मेडल नहीं जीतने वाला एथलीट ऑरेंज uh, मतलब सिल्वर मेडल ग्रीन मतलब गोल्ड मेडल रेड मतलब ब्रॉन्ज मेडल सर्कल मतलब फीमेल क्रॉस मतलब मेल यहाँ से आप कोई एक स्पोर्ट सेलेक्ट कर सकते हो जैसे आर्चरी में अगर आप देखो तो ये डिस्ट्रीब्यूशन है वेट्स और हाइट्स का डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा वेट और हाइट वाले मतलब मेल ऊपर है बट दिस इज द जोन जहां पे सबसे ज्यादा मेडल्स जीते गए ठीक तो है तो हाइट और वेट के हिसाब से एनालिसिस है एंड द लास्ट वन इज कि विमेन पार्टिसिपेशन कैसा रहा है ओवर इयर्स. सो यहाँ पे ब्लू लाइन जो है वो मेन पार्टिसिपेशन बता रही है और ये रेड लाइन विमेन पार्टिसिपेशन बता रही है ठीक है तो यू कैन सी मैंने काफी एनालिसिस किया है और इसमें और भी बहुत एनालिसिस करने का स्कोप है तो ये प्रोजेक्ट आप लोग करो मैंने इसके ऊपर एक पूरा फुल फ्लेजेड वीडियो बनाया है आप उसको देख करके इस प्रोजेक्ट को थोड़ा सा और इम्प्रूव कर सकते हो ऑल्सो एज यू कैन सी ये डिप्लॉयड है मतलब मैंने हेरोकू पे इसको इसको डिप्लॉय किया है तो आप मैं वो भी दिखाऊंगा कि हेरोकू पे कैसे डिप्लॉय करना है सो so दैट आप इसको अपलोड करके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर पाओ ठीक है सो आई होप यू आर एक्साइटेड फॉर दिस प्रोजेक्ट लेट्स स्टार्ट